दिखाती है। हाँ बच्चों, वी आर स्टार्टिंग विद डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। और यहाँ पर तुमको मैं बताऊंगा मैप्स के टाइप के होते हैं, मैप्स का इंपॉर्टेंस क्या है और मैप्स क्यों चाहिए, एकदम नॉर्मल तरीके से, एकदम बेसिक तरीके से चैप्टर तुमको बता दूंगा मैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बहुत ही बचकाना चैप्टर है। तुमको मैं इसका इसका हाइलाइट बता देता हूँ, डिटेल में अपन उसको बाद में पढ़ लेंगे चाहिए तो। मैं पहले बताता हूँ क्या क्या है चैप्टर में। बच्चों मैप्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बताएगा मैप का इंपॉर्टेंस क्या है? मैं बताऊं? बताओ बेटा। जब हम कभी किधर भी हम मीन्स हम लोग जंगल में जाते हैं तो भी हम लोग को मीन्स काम आता है स्पेसिफिक प्लेस के लिए। यस बेटा यस। अगर आप जंगल में जा रहे हो या आप किधर घूम गए हो, हर जगह जो जीपीएस अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है बच्चों बहुत बार कि आप किधर भटक जाओ तो मैप आपको रास्ता दिखाते हैं। कई बार तो जीपीएस भी काम नहीं आता बच्चों, कई बार तो जीपीएस भी काम नहीं आता, तो वैसे केसेस में कभी जंगल में होते काम आते हैं, बराबर के नहीं में होते कभी। टू नो द लोकेशन, टू नो द पोजीशन, कौन सी जगह पे क्या है, कौन सी जगह पे किस तरह से माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, तो ये सब चीजें बच्चों हमको मैप के थ्रू मालूम पड़ सकती है। ओके बच्चों, सो स्टेट हो गया कोई, जैसे इंडिया का मैप अपने को पता है तो मैप देखकर अपने को समझ में आ सकता है, अच्छा ये जगह इधर है, ये जगह इधर है, ये जगह उधर है, बराबर? समझ रहे हो बेटा मैं क्या बता रहा हूँ, तुम समझ रहे हो? हाँ भैया। बच्चों मैप तीन टाइप के होते हैं, डॉट मैप, क्लोरोप्लिथ मैप एंड आइसोप्लिथ मैप। बच्चों डॉट मैप क्या होता है? डॉट मैप मतलब क्या, जिसमें आप पूरे के पूरे जगह को डॉट से रिप्रेजेंट करोगे, है ना? डॉट तुम्हारा यूनिफॉर्म होना चाहिए और बहुत सारी बातें लिखी हुई है बच्चों, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैप को रीडिंग कैसे करते हैं अपन, वो बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मैप है, इसको मैंने डॉट मेथड से ड्रॉ किया है, ठीक है? अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन पूछ लू इसमें, नेम द प्लेस हैविंग 1 लाख ऑन द मैप, तो आप तुम लोग को आंसर कैसे देना है बच्चों? तो तुम लोग को हमेशा इंडेक्स देखना है, मैं बता देता हूँ। अनजान गांव सुरजी, तुमको इंडेक्स देखना है बच्चों, इंडेक्स दिख रहा है ये छोटा डॉट मतलब 50,000, उससे थोड़ा बड़ा डॉट मतलब 1 लाख, उससे थोड़ा बड़ा डॉट मतलब 2 लाख, उससे बड़ा डॉट मतलब 5 लाख, तो उसको तुम इधर देखो मैप में देखो और आंसर करो, नेम द प्लेस हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख ऑन द मैप। ये जो 1 लाख है बच्चों, अचलपुर, अचलपुर, अनजान गांव, समझ रहे हो बेटा? अगर मैं तुमको पूछूं नेम द प्लेस हैविंग 5 लाख, 5 लाख, अमरावती, क्या बात है बच्चों, क्या बात है बच्चों। अगर मैं पूछूं 50,000, 50,000 बच्चों क्या क्या पोजिशन है, कैसे कैसे पोजिशन है, बराबर की नहीं? तो बहुत सारे क्वेश्चन का तुम आंसर कर सकते हो खाली देख करके। अगर मैं तुमको बोलू सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किधर है, तुमको मालूम पड़ेगा अमरावती के साइड पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, बराबर की नहीं बेटा? तुमको मैप से बच्चा बहुत सारी चीजें पता चल सकती है, समझ में आ गया बेटा? हाँ भैया। बच्चों अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लिथ मैप की। क्लोरोप्लिथ मैप मतलब क्या, वहां पर कलर होंगे, शेड होंगे, ग्रेडेशन होंगे, दिख रहा है तुम लोगों को अलग अलग कलर्स? हाँ भैया दिख रहा है। किसकी बात चल रही है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडेक्स देखना, इंडेक्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मोर देन 400 एकदम पिंक, पिंकी लिपस्टिक, 301 से 400 उसे थोड़ा कम, 201 से 300 उसे थोड़ा कम, और व्हाइट व्हाइट शेप है ना वो लेस देन 100 है। अब तुम, मैं तुमको आंसर दूंगा बच्चों, तुमको मुझे आंसर देना है। ओके बच्चों अब देखो सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किधर है, अब बताओ सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अमरावती सबसे ज्यादा, अमरावती और अचलपुर नहीं, अचलपुर सबसे ज्यादा अमरावती में बच्चों, क्योंकि तुमको दिख रहा है मोर देन 400 इंडेक्स देखने का हमेशा, तो मोर देन 400 है। सबसे कम किधर है बच्चों, सबसे कम चिकल तुम मैप को देख के बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर
दे सकते हो. क्लियर है बेटा? अचल पूरा हाँ. थोड़ा सा राइट है, तो ये चीजें तुम कर सकते हो. सो क्लोरोप्लिथ मैप में बच्चों तुम टिंट ऑफ द सेम कलर भी बता सकते हो, या तुम ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न कर सकते हो, कलर पैटर्न कर सकते हो, इसे तुमको पता चल सकता है. समझ गए बच्चों? हाँ भैया. उसका पता है आइसोप्लिथ मैप. आइसोप्लिथ मैप में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा सेम ही होता है, वहां पर लाइन्स होती है, और लाइन्स के साथ मैं तुमको बताता हूँ. आइसोप्लिथ ऐसे होता है, वहां पर वैल्यूज लिखे होते हैं, वहां पर वैल्यूज लिखे होते हैं, वैल्यूज. ये वाला मैप आइसोप्लिथ मैप है बच्चों, यहाँ पर वैल्यूज लिखे हुए हैं, एवरेज एनुअल रेनफॉल. समझ रहे हो बच्चों? पर वैल्यूज लिखे हुए हैं. क्या तुम वैल्यू देके समझ सकते हो कौन सा मैप है ये? आइसोप्लिथ मैप. आइसोप्लिथ जहां पर कलर वलर है वो क्लोरोप्लिथ, जहां पर डॉट ड्रॉ किया हुआ है वो डॉट मैप, और जहां पर ये वैल्यूज लिखी हुई है वो तुम्हारा हो जाएगा आइसोप्लिथ मैप. ओके बेटा? ओके बेटा. यस हाँ भैया. अभी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, बहुत सारे इसके पूरे चैप्टर के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे. जितने भी मैप है इसमें एक एक चीज अपन डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है? लेकिन वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. पहले अपन मैं तुमको बता देता हूँ, अभी तो मैंने तुमको इंट्रोडक्शन दिया चैप्टर का कि कैसा क्या है, फिर तुमको प्रिपरेशन हो फील्ड विजिट के बारे में बताया है. जब तुम कोई फील्ड विजिट में जा रहे हो तुमको क्या प्रिपेयर करना है, तुम क्या क्या उनको देखना है, क्या क्या चीज़ें तुमको विजिट करनी है, तो ये चैप्टर में इतना ही है बच्चों. फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करेंगे, मैं तुमको लर्न कराऊंगा बराबर, जिस हिस्ट्री में अपन ने पढ़े थे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे बच्चों, जो भी मैप है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे अपन. क्लियर है बेटा? यस भैया.